बातों में कई दिन से खुजली हो रही थी, इतने में मैसेज आ गया इसके लिए। अभी आज आपको सारे 1000 और 500 के नोट मिलेंगे। सब कुछ तो दे दिया आपने। मैंने क्या दिया? कैसी कैसी बातें ये आप गलत गलत क्यों बोल रहे हो? पूरा बोलो ना यार। All young people like me, right? थोड़े बड़े लग रहे हैं कुछ लोग देख रहे हैं। अंकल क्या उम्र है आपकी? मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ आज के सेशन में क्या होने वाला है। आप लोगों ने मिल करके एक टॉपिक फाइनलाइज किया है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आपने क्या टॉपिक फाइनलाइज किया है, वो मैं भी थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सेमिनार, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ क्यू एन ए सेशन। तो क्या होगा, नॉर्मली क्यू एन ए में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप हो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मैं हूँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशंस बताऊंगा, आप प्रॉब्लम में अटके रहोगे। आप कहोगे हाँ ये जो वो कह रहे हो आप वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन वो लेकिन खत्म ही नहीं होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग लूप, है ना। ऐसा लगेगा मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, मैं कुछ बेच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेच करके क्या करना है आपको, राइट। तो अब क्या करना है हमको, सबको मिल करके हम सबको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, आपको भी और मेरे को भी पूरी तरह से, मतलब फोकस रखना है इसके ऊपर कि जो भी आज का आपने टॉपिक फाइनलाइज किया है उसका हमको मिल करके एक सॉल्यूशन निकालना है। सही। आवाज ब्रेक हो रही है? तुम्हारा पिछवाड़ा हर वीडियो में दिखता है। बताइए जी, श्री गणेश करते हैं। क्या टॉपिक आपने आज फाइनलाइज किया, आप सबने मिल करके कोई टॉपिक फाइनलाइज किया है? आई डोंट नो, हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपने मेरे इतने सेशंस देखे, अभी तक समझ नहीं आया लाइफ का पर्पस क्या है? गोबर गणेश, लाइफ सुनना था आपको। लाइफ सुनना था, टॉपिक तो एक बहाना है सर। सो हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये टॉपिक क्यों आपने चूज किया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, करना क्या है, बस करे जा रहे हैं, बस लाइफ, डेली लाइफ। वो तो सबका यही हाल है। किसको पता है, एक बार मेट्रो में जा करके देखो, जो लोग जा रहे हैं सुबह या शाम को वापस आ रहे हैं, किसी को कुछ पता है क्या? और एक बहुत मजेदार चीज बताऊं, मेरे घर के पास में मेट्रो स्टेशन है तो मैं कई बार वहां पे जा करके छुप के बैठ जाता हूं। जैसे वो नहीं होता, पॉपकॉर्न ले लिया, मूंगफली ले ली, या वो ले लिया, और ऐसे ही करके बैठ गया वहां पे। कंबल नहीं उड़ता तो थोड़ा ज्यादा उड़ता, भीग दे के चले जाएंगे, ले बेटा शक्करकंदी खा लिए, बहुत टाइम से बैठा है। तो ये सब नहीं करता, लेकिन आराम से छुप के बैठता हूँ, नहीं तो अगर लोग देख लेते हैं तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, सेल्फी वेल्फी ये सब। झुमरी तलैया एक जगह है। वहाँ पर नहीं है एनी हाउ। तो मैं क्या करता हूँ कि मेट्रो स्टेशन के पास में जा करके बैठ जाता हूँ, और मेरे को लोगों को ऑब्जर्व करने में बड़ा मज़ा आता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये आप ही के जो आपने टॉपिक फाइनलाइज किया है ना, उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, कभी आप भी ये करके देखना, सुबह के टाइम आप देखोगे जितने भी लोग मेट्रो में जा रहे होते हैं सब खुंदक में होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बौखलाए हुए होते हैं, और शाम को जब आ रहे होते हैं सारे खुश होते हैं ज़्यादातर उसमें से, मतलब ऐसा लगता है कि जेल से छूट करके आ रहे हैं। जैसे स्कूल में आप लोगों के साथ में होता होगा, अब तो कॉलेज में हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इन कॉलेज, राइट? ओके। तो स्कूल टाइम में जैसा होता था हमारे साथ में, बेस्ट डे कौन सा होता था स्कूल का हमारे लिए? संडे या फ्राइडे, याद करके बोलो, पास में जाओ। अगर सैटरडे संडे ऑफ था तो फ्राइडे, अगर सिर्फ संडे ऑफ था तो सैटरडे। हाँ, संडे में तो टेंशन शुरू होने लग जाती थी यार, कुछ घंटे रह गए हैं, कुछ मिनट रह गए हैं। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो जब शुरू हो रही होती थी दैट वाज द बेस्ट टाइम, और जब खत्म हो रही होती थी तो ऐसा लगता था कि गए, है ना, कि अब तो गोलियां खाओ 10-15 और ख़त्म करो, ऐसी हालत हो रही होती थी, मतलब मन नहीं करता था किसी का भी। तो सोचो ऐसा हमारे साथ स्कूल में होता था, तो हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो सोचो अगर पूरी लाइफ आपकी ऐसी चलती रहे, तो अभी आप सब यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में हो, मतलब ये क्या है, एक कैद नहीं है, एक जेल के जैसा नहीं है स्कूल, मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए यूजफुल है, बट है तो अल्टीमेटली एक जेल के जैसा ही ना। जो फीलिंग आती थी वो तो ऐसे ही आता था ना, जेल में जा रहे हैं, जेल से छूट करके आ रहे हैं, जैसे होता नहीं था, सुबह जा रहे होते थे सारे उदास और आ रहे होते थे तो एक्साइटेड, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, एक्साइटेड, टाई वाई सब फैली पड़ी है, कपड़े शर्ट बाहर ये वो, मतलब कि मज़ा आ रहा होता था, आके बैग फेंकते थे, जूते उतारते थे, मतलब कि आते थे तो मज़ा आता था, जाते थे तो रोते थे। सेम जैसा जेल में होता है, जब कोई प्रिजनर जेल में जाता है तो रोते रोते जाता है, बाहर आता है बड़ा खुश होता है। तो 90% से ज़्यादा लोग जो मैंने वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे और इधर उधर बस में यहाँ पे वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व किया है, तो मैंने देखा है 90% से ज़्यादा लोगों की यही हालत है।
कई कई लोग तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं क्योंकि कहीं दूर दूर ऑफिस है, ये अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं, तो सोचो क्या लाइफ है। तो क्या आपको भी ऐसी ही लाइफ चाहिए या एक ऐसी लाइफ चाहिए कि जब आप सुबह उठे तब से लेकर के आप कहीं जा रहे हो, रस्ते में हो, प्लस अपने काम पे पहुंचे हो, जब वापस आ रहे हो, जब घर पे हो, चाहे सैटरडे है चाहे संडे, कहीं कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मस्ती, सिर्फ मजा, ऐसी लाइफ चाहिए। दूसरी वाली लाइफ चाहिए, तो यही लाइफ का आपका पर्पस है। अभी सिर्फ यहीं तक आप सोचो, इससे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे सोचोगे तो आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो और गलत ट्रैक पर भी जा सकते हो। कुछ लोग हैं मेरे स्पिरिचुअल सेशंस देख देख करके पता नहीं उल्टी सीधी मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको तरह तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। मेरे पास एक मेल आई, सर पहले मुझे रेड लाइट दिखी, फिर मेरे को ऑरेंज लाइट दिखी, फिर ग्रीन लाइट दिखी। साले ट्रैफिक सिग्नल की औलाद क्या देख रहा है अपने अंदर बैठ करके। मैंने कहाँ बात करी इन सब सेशन, अपने किसी भी सेशन में मैंने बात करी, मैं बोलता कुछ हूँ करते कुछ है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी जो आप लोगों की एज है, पहले आपका होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है। वो तभी हो सकता है, या तो आप एजुकेशन वाइज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, वो कैसे कर रहे हैं वो आपको फिगर आउट करना है, या तो लक करके पढ़ाई करो नंबर वन, नंबर टू दिमाग लगाओ। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे पढ़ाई काम नहीं आती है। तो इसमें से कौन से पाथ को चुनना है वो आपके ऊपर है, दोनों साथ साथ में भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है कि कर रहे थे कुछ और, साथ साथ में कुछ और करना शुरू कर दिया, जो कर रहे थे वो गया कचरे के डब्बे में, और जो टाइम पास के लिए कर रहे थे वो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल गया। समझ पा रहे हो ना? हम क्या सोचते हैं कि या तो हमें कॉलेज करना पड़ेगा या छोड़ करके बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें आप साथ साथ में कर सकते हो। आजकल तो बहुत सिंपल हो गया है सब कुछ करना। आज अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, तो अगर आप मेरी नज़र से इस दुनिया को देखोगे तो कुछ भी नहीं है, खेल है बच्चों का, इतना आसान हो गया है। मतलब आज से अगर मैं 20 साल पीछे चला जाऊं तो उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बिकॉज अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको ऑफलाइन बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। आज तो ऑनलाइन इतना बड़ा वो बन गया है, आई एम श्योर आप लोग भी बहुत कुछ ऑनलाइन खरीद रहे होंगे आज के डेट में। हाँ, तो जब आप ऑनलाइन खरीद सकते हो तो क्या ऑनलाइन बेच नहीं सकते? लगाओ दिमाग। तो ऐसे अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। और क्या करोगे जी, मतलब 1000 रुपए के और ये जो 500 रुपए के नोट डिसकंटिन्यू हो रहे हैं उसको 2-2 रुपए में बेचना शुरू करो। लोगों से 1-1 रुपए में खरीदो, भाई कागज का टुकड़ा ही तो आया थे, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। ये आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू होगी, एंटीक जैसे एक आना है ना, अगर आप पुरानी दिल्ली में जाओगे ना खरीदने के लिए तो एक आना भी बहुत महंगा मिलेगा आपको, 5-5, 10-10 रुपए का मिलेगा। इकट्ठे करना शुरू कर दो, 1000-1000 रुपए के नोट कलेक्ट करना शुरू कर दो, आइडिया बुरा नहीं, आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा। तो करना तो यही है, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा। बट इट्स नॉट एग्जैक्टली बिजनेस एंड जॉब। बिजनेस को मैं अगर दूसरे वे में बोलूँ तो इट्स सेल्फ एम्प्लॉयड ऑल्सो। कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट है, सिंगर है, राइट, एक्टर है, फोटोग्राफर है, वो सब भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया। तो वी कैन कॉल दीज टू कैटेगरीज एज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जॉब। सर जैसे हम हर सेमिनार में सुनते हैं कि अपना 100% दे दो, तो आप 100% दे दिया, रात में भी जॉब कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन फिर अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, उस सिचुएशन में क्या? वही तो लोग समझते नहीं है ना, मैं 100% बोलता क्या हूँ। 100% है दिमाग के लेवल पे, नॉट एट द लेवल ऑफ बॉडी। क्योंकि अगर बॉडी के लेवल पे मेहनत करके कुछ होता तो रिक्शे वाला आज के डेट में सबसे ज़्यादा अमीर होता। एक जॉब में आप हो, वहाँ पर अगर आपने काम कर भी दिया तो उसकी भी अपने एक नेगेटिव साइड है, जो जितना ज़्यादा करता है उससे उतना ही ज़्यादा कराया भी जाता है, ये भी याद रखना। जॉब के अंदर अगर आप कहोगे ना कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, वो कहेगा चल बेटा लगा रहे 14 घंटे तक, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो उतनी सैलरी देनी है ना, समझ गए। बाकी बंदे आएंगे अपना, सुबह 10 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे चुपचाप चले जाएंगे। तो समझना होता है, मैं समझ की बात करता हूँ। अगर मेरे सारे सेशंस को एक वर्ड में समअप करना हो या उसके एसेंस को देखना हो, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग जी, और कुछ नहीं है। आपको समझ में मेहनत करनी है। एक कॉलेज में आप घुस गए और पागलों की तरह मेहनत करे जा रहे हो, और मान लो उसमें से आप बीकॉम पास कर रहे हो और बहुत मेहनत करी आपने, सुबह से रात तक पागलों की तरह पढ़ाई करी और 98% ले आए, मतलब रिकॉर्ड बना दिया, आज तक कोई 98% लाया ही नहीं ओवरऑल एग्रीगेट, है ना, 98% ले आए। अब आप जाओगे नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि मेरे 98% आए, सर मैंने बहुत मेहनत करी है, ले 8000 रुपये। समझ गए? पहले ये समझना है कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं करनी है।
हमें यही नहीं पता है काम करने शर्म को कैसे खत्म करा जाए। जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी फिलहाल, फिर मुझे लगता है कि यार मैं ये करूंगा वो करूंगा तो वो कब कैसे खत्म। मतलब मैं समझा नहीं क्या। जैसे कोई काम दिया गया, जैसे मैंने जॉब ज्वाइन करी 5 दिन पहले, तो मुझे बोला कि पैम्पलेट्स बांट के आने हैं, तो मैंने साफ मना कर दिया भाई पैम्पलेट्स नहीं। ये मेरे सेशंस का साइड इफेक्ट है। आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं पैम्पलेट्स कैसे बांटूं? अपने बॉस को बोलूंगा तू बाहर जा, वो आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा, तू बाहर जा ग्रेटेस्ट आदमी। नहीं ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अपनी ईगो में पता नहीं कहाँ के कहाँ आप बैठे हुए हो। ग्रेटेस्ट का मतलब वो है कि जो आदमी हर तरह का काम कर सके। आज अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे घर में अगर ऐसा मुझे लगता है ना कि मैंने कोई चीज़ बोली और वो नहीं हुई, तो मैं खुद कर देता हूँ। चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे वो बर्तन साफ करना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चेहरे पर हल्की सी शकन तक नहीं आती है। मतलब मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ आज लाइफ में किसी भी तरीके से, छोटे से छोटा काम बड़े से बड़ा काम, इसीलिए मैं टेंशन फ्री हूँ। सर जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं फोकस में रहने की, लेकिन वो कॉन्स्टेंट नहीं रह पाता। 1 महीना रहे 2 महीना रहे, लेकिन 3rd महीने वो डेफिनेटली छूटता है, तो उसको दोबारा कैसे करें, उसको कॉन्स्टेंट कैसे रखें कि हम फोकस रहें? थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उसे ओवरकम कर जाएं। सो हाउ डू वी। आपने क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, बट अब इसके लिए टाइम बचा नहीं है। टाइम है क्या नेहा? सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट है, चलो 5 मिनट के और चलाएं सेशन को आगे। एक घंटे पैम्फलेट नहीं बांटने आपको जाएगा। आपके लिए पता है क्या है, गुरुद्वारे में जाओ थोड़ी सेवा करो, थोड़ा लोगों के जूते होते उतारो, जूते साफ करो, ये चीज बड़ी अच्छी होती है। नहीं वो तो मैं तो मैं, लेकिन ऐसे नहीं किसी के बैग कह के, वो तो अपनी इच्छा हुई तो कर लिया, वो पैम्फलेट बांट के वो तो अच्छा है ना। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। देखो ये आई थिंक आप सबकी प्रॉब्लम होगी कि हम कुछ करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते हैं, तो वो टिकते कैसे? उस लेवल पे कॉन्फिडेंस भी स्टेबल नहीं रहता, कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं रहता है। हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन उस काम को नहीं कर पाते हैं तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। सवाल उठता है क्यों छोड़ते हैं, पहले हमको वो समझ आना चाहिए, तब हमको समझ आएगा कि उस पर टिके कैसे रहें। आपने सोचा कि भाई मुझे अब ना अब डेली वॉक पे जाना है, लेकिन 1 महीने में हुआ क्या, आप 4 दिन तो गए बाकी दिन नहीं गए, समझ गए ना? डीमोटिवेट हम क्यों होते हैं पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई करने में इंटरेस्ट तो है नहीं, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम गोल बना देते हैं कि अब मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है, और फिर उसके बाद में हम नहीं पढ़ पाए तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, हम अपने आप को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये एक अलग डायमेंशन को मैं टच कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने इसको टच किया नहीं है। तो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है, क्या होता है हम हमेशा कमियों को देखते हैं। जैसे कभी मुंह में, अगर बचपन में आपको याद होगा जब कोई दांत निकल जाता है तो बार बार जीभ वहां पर जाती है। जब आप पढ़ते हो तो जो आपने किया ध्यान वहां नहीं जाता कि मैंने 4 घंटे का गोल सेट किया और मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी, तो कभी दिमाग में ये नहीं आएगा चलो मैंने 1 घंटे तो पढ़ाई करी, ये आएगा कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं करी। मैंने सोचा था 1 महीने तक एक्सरसाइज करूंगी और मैं फेल हो गई, मैंने 1 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करी, ऐसे ही माइंड चलता है। फॉर एग्जांपल आपने मेरा कोई सेशन सुना, एकदम से चार्ज्ड अप हुए और कहा कि यार कल से मेरे को जाना है एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, और आपने महीने में सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज किया, तो अब 1 महीने बाद अपने आपको ये नहीं बोलना है बैठ करके कि मैं फेल हो गई, ये बोलना है कि एटलीस्ट मैं 4 दिन तो गई, शुरू तो किया। लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, आपने अपना एक गोल सेट किया बहुत बड़ा, उसको अचीव नहीं कर पाए, हाँ जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। ये गलत तरीका है लाइफ को जीने का। सही तरीका क्या है कि पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, समझ गए ना, पिछले 3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सेशन देखा कुछ हुआ, मतलब कि महीने में 3 दिन 4 दिन मैं वॉक पे गई, तो अब अपने आप को ये जो 4 दिन आप गए इसको सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है, चाहे अकेले में करो, चाहे अपने एक सिस्टर को ले लो, भाई बहन को ले लो, या फ्रेंड को ले लो, आ तेरे को एक पार्टी देती हूँ छोटे, चाहे जाकर के पेस्ट्री खिला के ले आओ 5-5 रुपए की, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट,
बट 5 की नहीं आती अब. मैं वही 2.5 रुपए वाली पेस्ट्री, मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 2.5 का 5 करके बोला था. मैंने कहा 2.5 की नहीं आती होगी, 5 की आती होगी, 10-15 रुपए की, जितने की भी आती है छोटी. अरे नहीं यार, छोटी वो पाइन एप्पल पेस्ट्री वाइट वाली 10 रुपए की नहीं आती. यार आप लोग बहुत अमीर लग रहे हो, पता नहीं कौन से एरिया में रहते. चलो जो भी है, 20-30 रुपए की, तो 100 रुपए की पार्टी कर दी ना. पार्टी से क्या हुआ, अब देखो, अब माइंड के स्ट्रक्चर को समझो, क्या होगा, कैसे आपके ब्रेन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे. ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है. इसमें डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, वो रिलीज होता है. दैट इज लिंक टू हैप्पीनेस. जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, या कोई भी कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो केमिकल रिलीज होता है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है. तो बार बार उस सेंसेशन को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं. कैसे करते हैं, जैसे वो पिछली बार रिलीज हुआ था, ये सब अपने आप होता है. आप ये मत समझो आप करते हो. किसी इंसान से नए से मिलते हैं, माइंड में एक इमेज बनी हुई थी कि एक ऐसा लड़का मुझे चाहिए चाहिए, एकदम से दिखा और उसने भी स्माइल पास करी, इधर से स्माइल, अंदर केमिकल रिलीज हुआ, उसके बाद नींद उड़नी शुरू हो गई है ना, और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर दोबारा मिला, फिर एकदम से केमिकल रिलीज हुआ, अब हमारा मन कर रहा है मुझसे बार बार मिले. समझे, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक केमिकल कुछ कंपाउंड्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बुरी फीलिंग होती है. तो वो इंसान जो आपको अच्छा लग रहा था, वो बुरा लगने लग जाता. तो हम जो भी कुछ करते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस. तो अब आपको क्या करना है, पहले आपने क्या किया, मेरा सेशन देखा, अब इसको पकड़ लेना ध्यान से, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, बिकॉज अल्टीमेटली इसको एक्शन से लिंक करना है ना. जैसे ही आपकी नज़र वहां जाएगी कि मैं फेल हुई, मैंने एक्शन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे. अपना फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपनी बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती है. आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, खुद की बुराई कर रहे हो. कोई और आपकी बुराई करे, चाहे आप खुद अपनी बुराई करो, अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, आपको बुरी फीलिंग होगी. तो अब आप क्या करोगे, अब आप अगली बार एक्शन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि मैंने दोबारा एक्शन लिया और मैं दोबारा फेल हुई, तो दोबारा से वो गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, दोबारा गंदी फीलिंग होगी, तो एक्शन ही मत लो. तो यू विल स्टॉप टेकिंग एक्शन. आप कुछ करना ही बंद कर दोगे, आपको पता नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें अपने आप हो रहे हैं. अपने ब्रेन को आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे, क्या अच्छा मैंने क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, तब आपको समझ आएगा पूरा खेल. तो अब इसका ऑपोजिट क्या करना है, महीने में 4 दिन आप गए, तो बार बार अपने आप को क्या बोलना है, मैं सक्सेसफुल हो गई, मज़ा आ गया, पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, पिछले 3 साल से ऐसी पड़ी हुई थी, अब मैं कुछ कर रही हूँ, अब मैं एक्शन में आ गई हूँ. अगर मैं 4 दिन जा सकती हूँ, तो मैं 8 दिन भी जा सकती हूँ, 12 दिन भी जा सकती हूँ, 16 दिन भी जा सकती हूँ. जैसे जैसे ये बोल रहे हो, अभी हो रही है ना, अच्छी फीलिंग हो रही है, समझो अभी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ. तो सुनने में इतना मज़ा आ रहा है मेरे से, तो सोचो जब आप अपने आप को ये सब चीज़ें बोल रहे होगे और आपकी ऐसी आदत बन जाएगी, तो कितना मज़ा आएगा. समझ गए ना. हाँ, तो क्या बोलना है अपने आप को, कि 4 दिन में गई, मज़ा आ गया, सेशन तो काम कर रहा है. सिर्फ सेशन ही काम नहीं कर रहा है, मैं भी काम कर रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था, मेरे को समझ आया है, मैं सक्सेसफुल हो गई. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन सुना और कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया. मैंने लिया, और मैं 1 दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, 3 दिन नहीं गई, 4 दिन गई. समझ गए, ये बड़ा तगड़ा खेल होता है. मतलब छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स. जब आप अपने से अमीर किसी को देखते हो, तो आप अपने आप को गरीब महसूस करते हो, जब अपने से गरीब किसी को देखते हो, तो आपको लगता है मैं बहुत अमीर हूं. इस साइकोलॉजी को समझो, इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझो. तो आप क्या कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि मैं 26 दिन फेल हुई, तो अपने आप को फेलियर बना रहे हो. जब आप 1 दिन को भी बड़ा कर रहे हो, आपके लिए एक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैंने इतना सा भी अगर कुछ किया, कहीं से भी इंस्पिरेशन आई, चाहे वो किसी बुक से आई, चाहे मेरे सेशन से आई, चाहे अपने किसी फ्रेंड से आई, चाहे आप खुद के अंदर से आई, आपने इतना सा भी कुछ किया, छोटा सा भी कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इतना सा भी बेटर किया, तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बोलो जिसकी कोई हद नहीं है. अगर आपने सिंसियरली ये बोलना शुरू कर दिया, तो केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा. अब आपको क्या चाहिए, ये फीलिंग दोबारा चाहिए. ये दोबारा फीलिंग कैसे मिलेगी, दोबारा वॉक पे जाना पड़ेगा. समझ गए. हाँ, मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना. हाँ, अभी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो दिन में 5 घंटे के लिए, और आपने 3 घंटे यूज़ करना शुरू कर दिया, या 4 घंटे पे आ गए,
तो ये नहीं बोलना है यार मैंने तो सोचा था ये सेशन देख करके मेरा मोबाइल छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या होगा अगर आपने ऐसा बोल दिया तो 5 घंटे बढ़ के 6 घंटे हो जाएगा, क्योंकि अब आप गुस्से में मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अब आप अपने से खफा हो, समझिए अच्छा वर्ड है खफा हो, तो अब आप अपने से नाराज हो। तो खुंदक में आप, जैसे खुंदक में आदमी ज़्यादा दारू पी जाता है, ज़्यादा खाने लग जाता है, तो आप खुंदक में गाओगे सब बेकार है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं 5 घंटे में 6 घंटे पर लगी रहूँगी। लेकिन यहाँ आप कुछ और कर रहे हो, 1 घंटे को आप बड़ा बनाओ, कितना बड़ा बना सकते हो अपने माइंड में वो आपके ऊपर है, आपकी अपनी इमेजिनेशन है। 1 मिनट रुक जाओ, सूसू तो नहीं आई ना, तो एक हाँ अब समझो, इस 1 घंटे को जो आप 5 घंटे से 4 घंटे पे आए, अब अपने माइंड में इस अचीवमेंट को जो देखने में छोटी सी लग रही है इतना बड़ा बना दो जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैंने सोचा था ये सेशन देख करके कि अब मैं 5 घंटे से थोड़ा सा कम करूँगी, थोड़ा सा मतलब कि कुछ मिनट कम करूँगी, लेकिन ये तो 1 घंटा कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया, मतलब मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा आ गया एक दिन में। उस 1 घंटे को मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, 1 घंटा तो बहुत होता है, 1 घंटे में मैं कितना पढ़ सकती हूँ, अगर 1-1 घंटा करके मैं पूरे महीने पढ़ूँ तो मेरे पास 30 घंटे आ गए, पूरे साल में इतने घंटे आ गए, 360 घंटे आ गए, मज़ा आ गया यार, मेरी तो लाइफ बदल गई, मुझे मज़ा आ गया। और आप जा रहे हो और जा करके पार्टी कर रहे हो, चाहे कुछ भी अपने घर में छोटा सा मतलब कुछ अपना ग्लूकोन डी होता है या कुछ होता है वो बना के पी लिया, ना चीज़ें मिल जाती हैं। क्या होता है जब आप मीठा खाते हो अंदर से फिर वो केमिकल रिलीज होता है, तो मीठा और प्लस ये अचीवमेंट, इन दोनों को आपने जोड़ दिया कि अब अगर मैं दोबारा कुछ अचीव करूँगी तो दोबारा मेरे को ग्लूकोन डी मिलेगा, रिवॉर्ड सिस्टम अटैच हो गया उसके साथ में, है ना। तो अब आप तड़पोगे इस फीलिंग के लिए, अब ये फीलिंग आपको कैसे मिलेगी, आपको दोबारा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, तभी अच्छी फीलिंग मिलेगी। तो अब आप अचीवर बनने लग जाओगे, यहां से एक अचीवर बनने की शुरुआत होती है। याद रखना, कुछ भी छोटे से छोटा काम आप अचीव करते हो तो अपनी तारीफ करो। जैसे अब आपने सोचा था कि मैं पैम्फलेट नहीं बांटूंगा, तो अब जा करके मेरे सेशन देख करके पैम्फलेट बांटो, उनको जा करके बोलो दो मुझे पैम्फलेट, कहां बांटना है क्या करना है, ठीक है। और पैम्फलेट को अपना रुमाल निकाल के पहले साफ करूंगा, फिर उन पैम्फलेट को सर पे लगाऊंगा और दूंगा, सर जी हजूर ये लो, और वो करके अपने आप को बोलोगे यस आई हैव अचीव समथिंग। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे लग रही थी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ईगो अलाउ नहीं कर रही है वो काम करने के लिए, मैंने वो भी कर दिया, तो अब मेरे लिए ना कुछ छोटा है काम ना कोई बड़ा है। और जिस आदमी के लिए ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मेरे लिए ना तो कोई काम बहुत बड़ा है, आप मुझसे कहोगे हाँ ये करना है हो जाएगा, हाँ करना है नहीं करना वो मेरी मर्जी है, आपके कहने से क्या होगा, डैड आई हैव टू डिसाइड। लेकिन मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम ना छोटा है ना बड़ा है, बोलो ना क्या करना है, बोलो ना किस लेवल पे क्या करना है। छोटे से छोटा काम, मेरा जितना बड़ा लेवल है ये छोटा काम है, अभी करता हूँ ना क्या करना है बताओ, ये सफाई करनी है अभी करता हूँ बैठ करके यहाँ पे, सफाई पोछा मारना है मारता हूँ। आप लोगों को ऑड लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, समझ गए ना, ये खेल होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, तब मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि अब मेरे में कोई डर नहीं है ना। मुझे अगर आज यहाँ से सपोजिंगली सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में एक हिल स्टेशन पे बैठा हूँ और जो हनीमून के कपल्स आते हैं उनको जा करके बोल रहा हूँ फोटो मैडम स्माइल प्लीज, सर जी आप नहीं हंस रहे, लगता है आप खुश नहीं हो, मैडम जी ज़्यादा खुश है, बहुत ऐसी हरकतें करता था जब मैं खुद शूट करता था, अब तो नहीं करता, तो मुझे वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सर जी 100 रुपये मैम 100 रुपीज़ मैम प्लीज सर आपका हनीमून है सर 100 तो बनता है, तो मुझे वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100-100 रुपये 5 बंदों से लिया, 500 रुपये एक दिन का आया, महीने को 15 मज़ा है, हिल स्टेशन हवा तो बढ़िया है, दिल्ली में तो हवा ही बेकार है, सांस तो ढंग से लूँगा, क्या दिक्कत है। तो आप आज़ाद रहोगे, कभी भी आ गया ना आपको मन मैं तो ये हूँ मैं ये नहीं कर सकता, तो आप डर के रहोगे, आपको डर लगेगा वो काम करने से, है ना। ऐसे तो क्लियर हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कि छोटे से छोटा कुछ करो और बड़ी सेलिब्रेशन करो, छोटी अचीवमेंट्स को लिंक कर दो बड़ी सेलिब्रेशन से, तो आपकी आदत ही ऐसी बनती चली जाएगी, बड़े फिर कमाल के अचीवर बनोगे आप। अब आपको समझ आ गया अचीवर बनते कैसे हैं, अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आप सारे काम सही करोगे, अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगी, और आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। मैं पता नहीं कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ,
लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं अपने माइंड में. लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियाँ ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे. सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी. सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज़्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को. ठीक है जी, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप क्या कह रहे थे? हाँ, अचीवमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे. हाँ, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, छोटी अचीवमेंट्स हैं, उसको माइंड में बड़ा बना देना है. उससे आपको बड़ा मज़ा आएगा. तो अब आप कुछ और बड़ा अचीव करने की कोशिश करोगे, फिर आपको और मज़ा आएगा, फिर और मज़ा, फिर और मज़ा. फिर आपकी आदत बन जाएगी कुछ ना कुछ अचीव करते रहने की. फिर आप अगर कुछ अचीव नहीं कर रहे होगे तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, है ना? तो आदत ही ऐसी पड़ जाएगी कि नहीं यार, कुछ करना है, बड़ा चैलेंज होना चाहिए. फिर आपको बड़े चैलेंजेस में मज़ा आएगा. अभी बड़े चैलेंजेस से डर लगता है, फिर बड़े चैलेंजेस में मज़ा आएगा. बड़ी एनर्जी अंदर से रिलीज होगी. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी बात करते करते एकदम से मैंने अपने माइंड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करी है. लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई या कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ गया तो मैं खुश हो जाता हूँ. एकदम से मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी एनर्जी आएगी उतनी जल्दी मैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाऊंगा, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम करूंगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा.